हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक हम देख रहे हैं हमारे ट्वेल्थ का केमिस्ट्री देख रहे हैं चैप्टर नंबर सेवन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सिक्सटीन सेवनटीन एंड एटीन ऑक्सीजन फैमिली फ्लोरिन फैमिली एंड नोबेल गैसेस इसका आज लेक्चर नंबर फोर है आज के लेक्चर में हमें देखना है कि अलोट्रॉपी क्या होता है और ऑक्जो एसिड्स क्या होते हैं छोटा सा लेक्चर है आज का दो टॉपिक को कवर करेंगे अलोट्रॉपी के बारे में बात करेंगे और ऑक्जो एसिड्स के बारे में बात करेंगे तो पहले हमें देखनी है ओलोट्रॉपी तो चलो स्टार्ट करते हैं अलोट्रॉपी ये है लेक्चर नंबर फोर ऑलरेडी मैंने तीन लेक्चर अपलोड किए पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ये भी देखा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखे थे एनामुलस बिहेवियर देखा था तीसरा हमने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा बड़ा टॉपिक था वो और आज हमें देखनी है अलोट्रॉपी तो चैप्टर नंबर है सेवन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सिक्सटीन सेवनटीन एंड एटीन ट्वेल्थ केमिस्ट्री विथ वी एम एकेडमी नासिक तो चलो स्टार्ट करते हैं कि अलोट्रॉपी होता क्या है वैसे तो आप लोगों को पता है अलोट्रॉपी होता क्या है लेकिन फिर भी कैन यू टेल में आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया है फ्रॉम पेज नंबर 146 फोर्टी सिक्स वट इज़ अलोट्रॉपी तो अलोट्रॉपी क्या है एक फिनोमिनोन है ये फिनोमिन किसके लिए एलिमेंट्स के लिए, के लिए. ने एलिमेंट्स का जिसमें क्या है जो एलिमेंट्स है वो क्या करते एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म तो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते है, लेकिन अलग अलग होते हैं ऐसे फॉर्म जिनके क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन से कौन से डिफरेंट हो सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि इनका कलर डिफरेंट हो सकता है उसके बाद इनकी डेंसिटी अलग आ सकती है होंगे तो एक ही एलिमेंट के लेकिन इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे चेंज होंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है डिफरेंट हो सकता है तो ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे उनके डिफरेंट होंगे ऐसे हम फिनोमिनन को क्या कहते हैं लोट्रॉपी कहा जाता है ऐसा फिनोमिन जिसमें इलेमेंट होते element, अलग -अलग में क्या होते हैं एग्जिट होते और क्रिस्टलाइन फॉर्म अलग होने की वजह से उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होते हैं डिफरेंट होते जैसे कि कलर होगा डेंसिटी होगी मेल्टिंग पॉइंट होगा तो ये प्रॉपर्टीज क्या हो गए डिफरेंट हो गए क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म ही क्या है डिफरेंट है उनका तो इस फिन को हम क्या कहते हैं अलोट्रॉपी कहते हैं okay. ओके तो उसमें सेकंड क्वेश्चन है वट इज द डिफरेंस बिटवीन अलोट्रॉपी एंड पॉलीमॉर्फिज्म तो अलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म में फर्क क्या है ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो अलोट्रॉपी तो हम देख चुके हैं क्या है एलिमेंट के डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म होंगे डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी इसी फिनोमिन को हम क्या कहते हैं अलोट्रॉपी कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है बच्चों पोलिमॉर्फिज्म इज द फिनोमिन इन विच सिंगल सब्सटेंस एग्जिट इन टू फॉर्म तो मतलब सब्सटेंस एक ही होगा सिंगल सब्सटेंस एग्जिट इन टू फॉर्म फॉर्म वन एंड फॉर्म टू तो सिंगल सब्सटेंस जब दो फॉर्म में क्या होता है एग्जिस्ट करता है फॉर्म और द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस दो फॉर्म में होगा या दो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में क्या होता है तो उसे क्या कहा जाता है पॉली तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम होगा सिर्फ क्या है दो फॉर्म में क्या होगा ये डिस्ट्रीब्यूट uh, होगा तो so अलोट्रॉपी क्या है ऑकरेंस ऑफ इलिमेंट ओनली uh, और पॉलीमॉर्फिज्म क्या है फाउंड इन कंपाउंड तो ये जो होता है अलोट्रॉपी ये सिर्फ एलिमेंट्स में होता है और ये जो होगा पॉलीमॉर्फिज्म ये किस में होता है सब्सटेंस में होता है किस एक टाइप का सब्सटेंस दो अलग अलग फॉर्म में क्या होता है ऑब्जर्व तो दोनों में फ़र्क क्या है अलोट्रापी एलिमेंट के लिए होगा और पॉलीमॉर्फिज्म किसके लिए होगा पॉलीमॉर्फिज्म सब्सटेंस के लिए होगा या फिर कंपाउंड के लिए होगा ये कंपाउंड में फाउंड होता है और अलोट्रॉपी एलिमेंट में फ़ाउंड होती है तो चलो अभी अलोट्रॉपी पे बात करते हैं अलोट्रॉपी तो एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रुप सिक्सटीन के वो एग्जिबिट करते हैं अलोट्रापी सारे नहीं कर रहे सिर्फ कौन से करेंगे ग्रुप सिक्सटीन के जैसे कार्बन भी करता है वैसे ग्रुप सिक्सटीन के एलिमेंट भी क्या करते हैं अलोट्रॉपी को दिखाते हैं तो चलो यहाँ पे ग्रुप सिक्सटीन के मेंबर लिखे हैं मैंने और किसके कितने अलोट्रॉप और उनके नाम भी लिखे हैं मैंने तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है नेम द अलोट्रॉप ऑफ द कोई भी दो कंपाउंड देते हैं ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम पोलोनियम सेलियम टेलोरियम ते, सेलेनियम ऐसे कोई भी दो देते फॉर टू मार्क्स तो ऑक्सीजन के कितने है तो ऑक्सीजन के दो है पहले को कहा जाता है डाई ऑक्सीजन वो होता है ओ टू और तीसरा होता है ओजोन जिसका फॉर्मूला होगा ओ थ्री दोनों भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर लिविंग लाइफ एक हमारे रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व है और एक हमारे प्रोटेक्टिव कोटिंग में इन्वॉल्व है तो डाई ऑक्सीजन एंड ओजोन आर द टू ऑलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन उनका फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा है उसके बाद आता है सल्फर सल्फर के दो है तो सल्फर को हमें डिटेल में देखना है इसका डिफरेंस भी बहुत बार आता है एग्जाम में तो इसका डिफरेंस भी हमें देखना है तो सल्फर के दो एलोड्रॉप होते हैं जिसे अल्फा सल्फर कहा जाता है और दूसरा होता है मोनोक्लिनिक जिसको बीटा सल्फर कहा जाता है अभी रोमबिक क्या मोनोक्लिनिक क्या है ये सारा हम क्या है स्टेट्स ऑफ मैटर में देख चुके पहला जो चैप्टर था हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर ने सॉलिड स्टेट में हम देख चुके कि ये होते क्या है तो इसे अल्फ़ा सल्फर कहा जाता है इसे बीटा सल्फर कहा जाता है और मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये दोनों भी क्या होते हैं बोथ आर नॉन मेटेलिक ये दोनों भी क्या होंगे नॉन मेटेलिक होते तो दोनों भी फॉर्म जो है सल्फर के वो क्या है नॉन मेटेलिक फॉर्म है इनको कहोगे अलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर उसके बाद आता है टेलोरियम टेलोरियम का क्या होता है क्रिस्टलाइन और एमआरफोस टेलोरियम ऐसे दो फॉर्म होते हैं इसके ओके तो एक होगा क्रिस्टलाइन और एक होगा एमॉर्फस क्रिस्टलाइन पता है हमें क्या होगा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप होता है और एमोर्फस मतलब पाउडर पाउडर फॉर्म में होगा उसके बाद आता है पोलोनियम यहाँ पे दो टाइप के पोलोनियम होते हैं अल्फा एंड बीटा तो अल्फ़ा पोलोनियम और बीटा पोलोनियम ये दोनों भी कौन से फॉर्म में होंगे मेटेलिक फॉर्म में होते ओके ये दोनों भी नॉन मेटेलिक फॉर्म में ये दोनों भी मेटेलिक फॉर्म में होंगे ओके okay. उसके बाद सेलेनियम सेलेनियम पे तो आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ अलोट्रॉप अलोट्रॉप्स ऑफ द सेलेनियम तो सेलेनियम के दो अलोट्रॉप होंगे एक होगा रेड और दूसरा होगा ग्रे सेलेनियम। रेड और ग्रे सेलेनियम। तो इन दोनों में से मैं आप लोगों को बता दूं एक होता है मेटेलिक और एक होता है नॉन मेटेलिक तो जो दो है सेलेनियम के एक होगा मेटेलिक और दूसरा क्या होगा नॉन मेटेलिक तो तो दो अलोट्रॉप होंगे रेड एंड ग्रे तो इतने नाम आपको याद रखने हैं इसमें से कोई भी एग्जाम में आता है तो इसी पे एक ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है तो चलो उसको भी देख लेते हैं तो यहाँ पे हमने नाम लिखे तो देख लो एक बार तो पहला क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन कॉमन है स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसे करेक्ट भी करना है पहला क्वेश्चन है बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर कंसिस्ट एस सिक्स मोलिक्यूल क्या ये दोनों भी स्ट्रक्चर एस सिक्स कंसिस्ट करते हैं तो इट इज फॉल्स ये दोनों भी स्ट्रक्चर क्या है एस एट कंसिस्ट करते हैं तो दोनों स्ट्रक्चर क्या कंसिड करेंगे कंसिडर कंसिस्ट करेंगे एस एट मोलिक्यूल को कंसिस्ट करते तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है एस सिक्स नहीं होगा दोनों भी एस कंसिस्ट करते दूसरा क्वेश्चन है रोम्बिक सल्फर इज सोल्यूबल इन वाटर एंड इन इन सी एस तो रोम्बिक सल्फर के बारे में पूछा है कि ये पानी में डिजॉल्व होता है और सी एस में कार्बन सल्फाइड में क्या होगा इनसोल्यूबल होता है ऐसा पूछा है तो ये क्वेश्चन ये क्या है उल्टा दिया है उन्होंने ये रोम्बिक सल्फर जो है सी एस टू में डिजॉल्व होगा पानी में डिजॉल्व नहीं होता है ओके थर्ड क्वेश्चन है मोनोक्लिनिक सल्फर इज सोल्यूबल इन सी एस टू ये मोनोक्लिनिक सल्फर है ये क्या सी एस टू में डिजॉल्व होता है तो इसका आंसर है यस ये ट्रू है कि मोनोक्लिनिक सल्फर क्या होता है एस एस सी एस टू में डिजॉल्व होगा मतलब ये जो फॉर्म है दोनों एसेट से बने हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका डिफरेंस भी देखना है हमें इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है तो रोमबिक सल्फर भी एसेट होगा मोनोक्लिनिक सल्फर भी एसेट होगा उसके बाद क्या है ये दोनों भी नॉन मेटेलिक फॉर्म में होते हैं उसके बाद देखो ये पानी में डिजोल्व नहीं होंगे दोनों भी किस में डिजोल्व होते हैं ये दोनों भी सी एस टू में क्या होंगे दोनों भी डिजोल्व होंगे अल्फा सल्फर कहा जाएगा रोम्बिक को और मोनोक्लिनिक को बीटा सल्फर कहा जाएगा ओके तो चलो अभी रोम्बिंग रोम्बिक अल्फा सल्फर या अल्फा सल्फर या मोनोक्लिनिक या बीटा सल्फर के बारे में डिफरेंस को देख लेते हैं ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द रोम्बिक सल्फर एंड द मोनोक्लिनिक सल्फर और बहुत बार एग्जाम में आता है फॉर द फोर मार्क्स तो यहाँ पे मैंने सात पॉइंट लिखे इनमें से आपको कोई भी चार पॉइंट क्या करने लर्न करने तो मैं एक एक बता रही हूँ आप लोग अच्छे से देखो पहला देखते हैं कलर के बारे में तो इसका कलर होता है पेल येल्लो मतलब थोड़ा सा रेडिश येल्लो होगा ये और ये होता है ब्राइट येल्लो एकदम ब्राइट वाला येल्लो कलर होगा इसका दूसरा दूसरा पॉइंट पौ, है इट फॉर्म ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल ये ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल फॉर्म करता है ये क्या करता है निडल शेप के मोनोक्लिनिक क्रिस्टल फॉर्म करता है निडल शेप वाले होंगे ऐसे स्ट्रेट फाइबर जैसे ओके इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है थ्री एटी फाइव पॉइंट एट केलविन में डिग्री सेल्सियस में नहीं है 385.8 केल्विन और इसका होता है 393 केल्विन। इसकी डेंसिटी जो होगी होगी 2.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसकी डेंसिटी होगी 1.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये वाटर में सोल्यूबल इन है और सी में सोल्यूबल है यहाँ पे वाटर के बारे में मेंशन नहीं किया है लेकिन ये किस में सोल्यूबल होता है सी में सोल्यूबल होता है ये स्टेबल होता है बिलो द टेम्परेचर थ्री थ्री सिक्सटी नाइन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में केल्विन टेम्परेचर में ये क्या होता है स्टेबल uh, होता है इससे अगर ऊपर टेम्परेचर चला जाए तो ये बिटा क्या है सल्फर में मतलब मोनोक्लिनिक सल्फर में क्या होता है कन्वर्ट होता है अगर इसे आप 369 से अबो टेम्परेचर में हीट करोगे तो ये क्या होगा बीटा सल्फर में कन्वर्ट होगा यहाँ पे देखो ये स्टेबल होता है अबो इससे ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए 369 सिक्सटी नाइन से ज़्यादा टेम्परेचर हो चाहिए अगर उससे कम टेम्परेचर हुआ तो ये क्या होगा ट्रांसफर होगा इनटू द अल्फा सल्फर मतलब अल्फा और बीटा सल्फर क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे अगर आप लोगों ने इसे टेम्परेचर दिया कितना थ्री सिक्सटी नाइन अब हो तो ये बीटा में चला जाएगा और बीटा का टेम्परेचर अगर आपने कम कर दिया थ्री सिक्सटी नाइन से तो ये अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आपको याद रखना है इसे प्रिपेयर किससे किया जाता है अल्फा सल्फर से क्या करना है 369 से क्या करो ज्यादा टेम्परेचर में उसे हीट करो तो ये क्या बनेगा अल्फ़ा सल्फर बीटा सल्फर में कन्वर्ट होगा इसे प्रिपेयर किया जाता है बाई ऑपरेशन ऑफ रोल सल्फर इन द सी एस टू तो सी एस टू के प्रेजेंट में तो सल्फर को क्या किया जाता है ई ऑपरेट किया जाता है तब क्या बनता है अल्फ़ा सल्फर और अल्फ़ा सल्फर को 369 सिक्सटी केलविन के अबो अगर हीट करोगे तो हमें क्या मिलता है बीटा सल्फर तो ये दो क्या थे अलोट्रॉप थे सल्फर के एक को कहा जाता है रोम्बिक और अल्फ़ा सल्फर दूसरे को कहा जाता है मोनोक्लिनिक और बीटा सल्फर तो इसी पे कभी कभी क्वेश्चन भी आता है हाउ मोनोक्लिनिक सल्फर इज प्रिपेयर इसे कैसे बनाया जाता है तो अभी मैंने बताया मोनोक्लिनिक सल्फर इज प्रिपेयर बाय द फ्रॉम द रोम्बिक सल्फर इससे इसको बनाया जाता है कैसे के रोम्बिक सल्फर जो होता है ये क्या होता है मेल्ट होता है मेल्ट इन डिश तो इसे इस सल्फर को डिश में मेल्ट किया जाता है कूल cool किया जाता है कब तक जब तक कि क्रस्ट फॉर्म ना हो फिर उसको क्या किया जाता है उसमें दो होल बनाए जाते हैं उस क्रस्ट में एंड उसमें क्या किया जाता है लिक्विड को पोर किया जाता है ताकि वो निडल शेप वाले क्रिस्टल क्या हो बेटा सल्फर के फॉर्म हो जाए तो पहले हीट किया जाएगा मेल्ट किया जाएगा फिर कूल cool करके उसमें दो होल बना के उसमें क्या ऐड किया जाता है लिक्विड को ऐड किया जाता है लिक्विड में पोर किया जाता है ताकि नीडल शेप वाले क्या बन सके यहाँ पे बेटा क्रिस्टल बन सके तो इसे हम बेटा सल्फर कहते ओके और एक क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर तो पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में तो हमें डिटेल में देखना है चलो देखते हैं एक क्वेश्चन है अभी ये एन सी आर टी का भी क्वेश्चन है और आपकी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है तो मैंने यहाँ पे और बाइटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है आई होप आप लोगों को याद आ रहा होगा नहीं हो रहा आ रहा है तो मैं बता दूंगी विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हमने यही से सीखा था मोलिकुलर ऑर्बाइटल थेरी एमओ कहा जाता था उसे तो पैरा मैग्नेटिक हम किसे कहते थे तो पैरा मैग्नेटिक नेचर कब होता था जब अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे लास्ट पोजिशन पर तब क्या होता था एलिमेंट पैरामैग्नेटिक होता था ओके okay. तो so, जो वेपर स्टेट में होता है सल्फर जो होता है वो को क्या होता है पार्टली एग्जिस्ट इन एस टू फॉर्म तो पार्टली क्या होता है एस टू फॉर्म में एस टू मोलिक्यूल के फॉर्म में क्या होता है एग्जिट होता है एस टू तो एक का कितना है इलेक्ट्रॉन है सिक्सटीन तो दो के कितने हो जाएंगे थर्टी टू तो थर्टी टू इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पे यहाँ पे ये यह अच्छे से ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है तो so, हमें पता है पाई वन एस टू सिगमा वन एस टू सिगमा स्टार वन एस टू सिगमा टू एस टू सिगमा स्टार टू एस टू इसके लिए फोर्टीन से ज़्यादा ये इसलिए क्या आएगा सिग्मा पी टू पी जेड पहले आएगा फिर इन दोनों की इक्विवेलेंट होती है दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन फिर ये दोनों स्टारे दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन फिर जेड आएगा उसमें दो इलेक्ट्रॉन फिर ये रिपीट होगा वन एस था तो अभी कौन आएगा थ्री एस आएगा और लास्ट में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहे हैं इन द पी ऑर्बिटल और, और दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसीलिए ये क्या होता है इट इज पैरा मैग्नेटिक तो ये क्या बन जाएगा पैरा मैग्नेटिक होगा जैसे कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है वैसे ये भी क्या होगा पैरा मैग्नेटिक इन नेचर तो क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज द पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर तो आपको बताना है वेपर स्टेट में क्या होता है पार्टली क्या होता है या सल्फर मोलिक्यूल एस टू मोलिक्यूल के फॉर्म में होता है इट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटीबॉन्डिंग पाए तो एंटीबॉन्डिंग ये देखो स्टार है मतलब एंटीबॉन्डिंग पाए और बाइटल में क्या है इसके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है अनपेड इलेक्ट्रॉन जैसे ऑक्सीजन में होते वैसे यहाँ पे भी प्रेजेंट है इसीलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या है प्यारामैग्नेटिक होगा नेचर में तो ये एनसीआरटी का क्वेश्चन था और आपके एक्सरसाइज का भी नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन आता है इस पे विच इज द डिफरेंस वट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ एस एट एंड एस सिक्स तो एस एट का स्ट्रक्चर ऐसे होगा एस सिक्स का स्ट्रक्चर ऐसे होगा तो एसेट को जो होता है, वो क्या होता है रिंग रिंग इज़ इज़ क्या है punctured. तो ऐसा स्ट्रक्चर आएगा इसका हैज क्राउन शेप तो इसका क्या होता है क्राउन शेप होता है और एसेट का जो होगा वो क्या होगा रिंग अडॉप्ट मतलब चेयर शेप का होगा तो चेयर शेप का है और ये क्राउन शेप तो आपको याद रखना है इसे कहोगे क्राउन शेप और इसे कहोगे चेयरशेप तो दोनों में फर्क ये कि क्राउन शेप का होता है एट मेंबर होंगे ये चेयरशेप का होगा इसमें सिक्स मेंबर होते ओके। तो ये तो ये अलोट्रॉप ऑफ तो द ग्रुप सिक्सटीन अभी हमें देखने ऑक्जो एसिड्स क्या होते तो चलो ऑक्जो एसिड्स को देखना है अभी हमें तो सल्फर जो होता है सल्फर क्या करता है नंबर ऑफ ऑक्जो एसिड को फॉर्म करता है ओके तो सल्फर के नंबर ऑफ ऑक्जो एसिड से कुछ उनमें से अनस्टेबल है और कैन नॉट बी आइसोलेटेड मतलब उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो क्या है अनस्टेबल है दे आर नोन इन द एक्वियस सोल्यूशन तो ये वो एक्वियस फॉर्म में होते हैं उनमें से कुछ सॉल्ट फॉर्म में भी होंगे द इम्पॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर आर गिवन इन दिस स्ट्रक्चर तो पहला है एच टू एस ओ थ्री इसे कहा जाता है सल्फोरस एसिड सल्फोरस एसिड दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एस ओ फोर तीसरा एच टू एच टू ओ सेवन इसे कहा जाता है डाइसल्फ्यूरिक एसिड या इसे कहा जाता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड तो डाइसल्फ्यूरिक और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड तो देखो यहाँ पे एक लोन पेयर है ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा एच टू एस ओ फोर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है और यहाँ पे डायसल्फरिक एसिड और पायरोसल्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे होगा तो ये स्ट्रक्चर एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आते तो ये इस साइड में क्या होगा ऐसे डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर होगा और भी तीन देखने हमें ये तीन देख लो पहले इन सारे स्ट्रक्चर को आपको एक दो बार क्या करना है ड्रॉ करके देखना है ताकि आपके लर्न हो जाए नेक्स्ट थ्री देखो एच टू एस ओ फाइव एच टू एस ओ फाइव का नाम होगा यहाँ पे पेरोक्सी मोनोसल्फोरिक एसिड पेरोक्सी मोनोसल्फोरिक एसिड क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज है तो इसे कहा जाता है पेरोक्सी मोनोसल्फोरिक एसिड इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा उसके बाद आता है एच टू एच टू ओ एट इसे कहा जाता है पेरोक्सी डाइसल्फरिक एसिड तो दो पे, uh, यहाँ पे क्या होंगे सल्फर uh, होंगे और दो सल्फर के बीच में पेरोक्साइड लिंक होगी तो इसे कहा लिंक uh, होगी इसे क्या कहा जाता है पेरॉक्सी डाइसल्फरिक एसिड तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा थर्ड होता है एच टू टू ओ थ्री तो एच टू टू ओ थ्री तो सल्फर सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड होगा और बाकी स्ट्रक्चर ऐसे होगा इसे कहा जाता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड तो ये है थायोसल्फ्यूरिक एसिड तो ये जो छह स्ट्रक्चर मैंने बताए कौन से कौन से पहला था सल्फोरस एसिड सल्फ्यूरिक एसिड डायसल्फ्यूरिक एसिड उसके बाद पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड उसके बाद पेरोक्सी एसिड एसिड एंड द थायोसल्फ्यूरिक इन छह स्ट्रक्चर को को आप लोगों अच्छे से ड्रॉ करके देखने क्योंकि इसमें से कोई भी दो आपके एग्जाम में आते चलो इस पे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन दिस तो इसका होगा माइनस टू इसे एक्स कंसिडर करो इसका होगा प्लस वन तो दो टाइम हाइड्रोजन प्रेजेंट है एक का है प्लस वन प्लस एक्स एक ही टाइम है सल्फर प्लस फोर टाइम ऑक्सीजन प्रेजेंट है एक पे का होता है ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू और ये न्यूट्रल है कंपाउंड इसलिए जीरो तो चलो कैलकुलेट करो टू प्लस एक्स फोर टू जा एट इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या होगा एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो तो एक्स का कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स मतलब यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन कितना है स्टेट कितना है प्लस सिक्स है इस इस कंपाउंड में तो ऐसे कैलकुलेट करने के लिए कभी कभी आता है दो मार्क के लिए तो ऐसे कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन का होता है माइनस टू और हाइड्रोजन uh, का होता है प्लस वन और इसका क्या करना है कैलकुलेट करना है पूरी स्पेसिस पे कोई भी चार्ज नहीं तो उसे न्यूट्रल कंसिडर करके जीरो लेना है ये सारे रूल्स हम रेडॉक्स रिएक्शन में इलेवंथ में पढ़ चुके तो चलो अभी हमें ऑक्सो एसिड्स देखने हैं हेलोजेंस के तो देखो ऑक्जो एसिड्स ऑफ हेलोजन हेलोजन फॉर्म द सेवरल ऑक्जो एसिड तो बहुत सारे क्या करते हैं ये भी ऑक्जो एसिड को क्या करते फॉर्म करते हैं ओके ओनली सम एसिड्स कैन भी आइसोलेटेड इन प्योर फॉर्म इनमें से कुछ ही है जो क्या होते हैं आइसोलेट किए जाते हैं प्योर फॉर्म में जो कर सकते यहाँ पे मैंने लिखे तो क्या है दीज आर द फोर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्जो एसिड्स ऑफ हाइलोजन विच कैन बी आइसोलेटेड इन प्योर फॉर्म इनको प्योर फॉर्म में आइसोलेट कर सकते हैं हम तो चलो एक एक को देखते हैं कि कौन से कौन से फॉर्म है यहाँ पे पहला है हाइपोफ्लोरस एसिड तो इसका फार्मूला होगा एच ओ एफ पर क्लोरिक एसिड एच सी एल ओ फोर आयोडिक एसिड एच आई ओ थ्री मेटा पर आयोडिक एसिड इसे कहा इसका फॉर्मूला होगा एच आई ओ फोर तो ये चार ही ऐसे फॉर्म है जो आइसोलेट किए जाते हैं प्योर फॉर्म में कभी कभी क्वेश्चन आता है गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्जो ऑफ हाइलोजन विच कैन बी आइसोलेटेड इन प्योर फॉर्म तो ये आपको चार नाम पता होने चाहिए ये हाइलोजन के ऐसे ऑक्जो है जो क्या है आइसोलेट मतलब सेपरेट किए जा सकते हैं प्योर फॉर्म में इसके अलावा और कोई भी ऑक्जो को हम सेपरेट नहीं कर सकते कोई भी केमिकल प्रोसेस सेपरेट नहीं कर सकती बनते तो बहुत सारे लेकिन चार ही क्या हो सकते सेपरेट हो सकते चलो अभी इस पे एक क्वेश्चन है एच सी ओ इज द वीक एसिड एंड एच सी एल ओ फोर ये क्या है बहुत ही स्ट्रांग एसिड है ऐसा क्यों है तो हमें पता है एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है हेलोजन की वो किस पे डिपेंड होती है ऑक्जो एसिड इंक्रीज जितने होंगे उस पे होती है ओके तो इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट हेलोजन का इंक्रीज होता है उतना क्या होता है वो स्ट्रांग एसिड होता है तो यहाँ पे जो होगा एच में जो होगा इसकी के ए की वैल्यू कितनी होती है ऑलमोस्ट थ्री पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस एट होती है इसलिए क्या है वीक एसिड है ओके okay. और ये जो होता है सेकंड एच सी एल ओ फोर इसकी जो के ए की वैल्यू है ये क्या है एक से थोड़ी सी क्या होगी कम होगी तो ये क्या होता है वेरी स्ट्रांग एसिड तो हमें पता है इस पे इस वैल्यू पे भी क्या होता है डिपेंड होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जितनी के की वैल्यू बढ़ेगी उतना क्या होगा एसिड क्या होगा वीक एसिड बनेगा जितनी कम होगी उतना क्या होगा ये सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया जितनी के ए की मतलब पी केए की वैल्यू है हा? पी के ए की वैल्यू ये तो वैल्यू क्या होगा यहाँ पे स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के वैल्यू ग्रेटर इज द एसिडिटी तो इसकी वैल्यू छोटी है तो जिसकी वैल्यू छोटी होगी उसकी एसिडिटी क्या होगी ग्रेटर होगी तो यहाँ पे क्या होगा इस ये क्या होगा मोर एसिडिक होगा ये क्या होगा लेस एसिडिक होगा तो आपको ये याद रखना है तो आपके एक्सरसाइज में और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ राइट द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर ऑक्जो एसिड्स ऑफ क्लोरीन तो क्लोरीन के ऑक्जो एसिड के हमें नाम भी लिखने हैं और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो पहला नाम मैं यहाँ पे लिख रही हूं पहला नाम है यहाँ पे हाइपोक्लोरस एसिड ओके okay. ये होगा एच ओ सी एल इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन और इस साइड में क्या होगा सी एल तो ये पहला है पहला क्या है ऑक्जो एसिड है क्लोरिन का जिसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड और एच ओ सी एल और इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा ओके okay. सेकंड देखते सेकंड जो है उसको कहा जाता है क्लोरस एसिड इसका फॉर्मूला होता है एच ओ सी एल ओ या कभी कभी ऐसे भी दिख लिख देते एच सी एल ओ टू दोनों का मीनिंग सेम ही है ओके इसका जो स्ट्रक्चर होगा देखो ऐसे होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन के साथ डबल बॉन्डेड वापस क्या होता है ऑक्सीजन तो इसका क्या होगा स्ट्रक्चर ऐसे होगा तो ये भी स्ट्रक्चर आपको क्या करना है याद रखना है उसके बाद हमें थर्ड देखना है देखो थर्ड जो है एग्जाम्पल वो है इसको कहा जाता है क्लोरिक एसिड इसका फॉर्मूला होता है एच सी एल ओ थ्री तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा एच सी एल ओ थ्री का तो यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो ये स्ट्रक्चर होगा क्लोरिक एसिड का ये भी ऑक्जो एसिड है क्लोरिन का और इसका फॉर्मूला क्या होगा एच सी एल ओ थ्री और स्ट्रक्चर ऐसे होगा नेक्स्ट हमें फोर्थ देखना है फोर्थ देखो क्या है फोर्थ का नाम है यहां पे इसको कहा जाता है पर क्लोरिक पर क्लोरिक एसिड इसका होता तो है एच सी एल ओ फोर ये स्ट्रांग एसिड है ओके तो इसका फॉर्मूला देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे हुआ एच ओ सी एल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कभी कभी ये ऐसे ही दिखा देते हैं यहाँ पे तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है फ्ल पर क्लोरिक एसिड सी एल ओ फोर ये क्या है एक स्ट्रांग एसिड है वेरी स्ट्रांग एसिड एच सी एल ओ फोर तो चलो एक टेबल में टेबल में दिया आपके बुक में लेकिन हम ऐसा देख लेते हैं ऑक्जो एसिड्स देखते हैं हेलोजन के तो सबसे पहला होगा इसे कहा जाता है हाइपो हेलस एसिड एच एक्स ओ इसके एग्जाम्पल कौन से कौन से होंगे देखो इसके एग्जाम्पल होंगे एच ओ एफ एच ओ सी एल एच ओ बी आर और एच ओ आई ये अलग अलग है आपको दिखने चाहिए इसलिए मैंने थोड़े से क्लोज लिखे इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्लस वन मतलब यहाँ पे जो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा यहाँ पे एक्स का फ्लोरिंग इसे छोड़ दो सिर्फ इसे छोड़ के बाकी सब का तो इन सब का फ्लो इसका नहीं होगा इसका क्या होगा माइनस वन होगा बाकी सब का क्या होता है मतलब यहाँ पे आयोडीन का यहाँ पे बी का और यहाँ पे सी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा प्लस वन यहाँ पे इसका कितना होगा माइनस वन होगा ऑक्सीडेशन स्टेट को या ऑक्सीडेशन नंबर को ओके okay. सेकंड होता है यहाँ पे सेकंड जिसे कहा जाएगा इसे कहा जाता है हेलस एसिड जनरल फॉर्मूला क्या होगा हेलस एसिड का एच एक्स ओ फोर सॉरी ओ टू नॉट फोर हैलस हैलस एसिड तो यहाँ पे ये यह फ्लोरीन है ये क्लोरीन है ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है तो फ्लोरीन ऐसा कोई एसिड नहीं बनाता ओके ये बनाता है क्लोरीन। एच ओ एच सी एल ओ टू लिखेंगे हम डायरेक्ट सी एल ओ टू ओके और ये दोनों भी नहीं बनाते यहाँ पे ऑक्सीडेशन कितना कितना होगा सी एल का प्लस थ्री होगा चाहे तो कैलकुलेट करके देखो चलो कैलकुलेट करो प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू इंटू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो क्या होगा एक्स Uh, कितना होगा यहाँ पे टू टू जा फोर फोर में से एक चला गया तो माइनस थ्री मतलब इसका कितना आएगा प्लस थ्री तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है प्लस थ्री होता है किसका हैलस एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा प्लस थ्री होगा ये दो टाइप हो गए और देखते नेक्स्ट टाइप देखो थर्ड वाला थर्ड का नाम होगा इसे कहा जाएगा हेलिक एसिड हेलिक एसिड होता है एच एक्स ओ फोर एच एक्स ओ फोर नहीं ओ थ्री होना चाहिए थोड़ी सी मिस्टेक है आपके बुक में तो देखो ये जो है फ्लोरीन ऐसा कोई एसिड नहीं बनाता ये बनाता है इसे हम लिखेंगे एच सी एल ओ थ्री ये बनाता है एच बी आर ओ थ्री ये भी बनाता है एच आई ओ थ्री और इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे होता है प्लस फाइव चलो चाहे तो कैलकुलेट करके देखो एक का कैलकुलेट करोगे तो सबके लिए सेम आएगा तो हाइड्रोजन का होता है वन प्लस क्लोरीन का या ब्रोमीन का या आयोडीन का एक्स कंसीडर करेंगे ऑक्सीजन थ्री टाइम में एक का होता है माइनस टू इज इक्वल टू जीरो सो वन प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी प्लस फाइव तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी प्लस फाइव होगी ओके जो फोर्थ होता है इसका टाइप इसको कहा जाता है पर हैलिक एसिड ओके इसका फार्मूला होगा एच एक्स ओ फोर ओके तो यहाँ पे फ्लोरीन ऐसा कुछ भी नहीं बनाता क्लोरीन बनाता है एच सी एल ओ फोर जो कि स्ट्रांगेस्ट एसिड है ये भी बनाता है एच बी आर बी आर ओ फोर बनाता है ये और ये भी बनाता है एच आई ओ फोर इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहाँ पे चेक करोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर इनका आएगा प्लस सेवन चलो किसी एक का चेक करके देखते हैं किसका चेक करें इसका करते दे तो यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है वन बी आर का कंसिडर करेंगे एक्स फोर टाइम ऑक्सीजन प्रेजेंट है एक ऑक्सीजन का होता है माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो सो वन प्लस एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी प्लस सेवन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी हेलोजन की यहाँ पे कितनी होगी प्लस सेवन होगी तो ऐसा टेबल दिया है आपके बुक में तो मैंने उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो आज के लिए इतना ही था बच्चों हमने दो छोटे से टॉपिक देखे आज आज का लेक्चर छोटा है लास्ट दो लेक्चर बहुत बड़े बने थे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हमें देखना है ऑक्सीजन एंड द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या है और ऑक्सीजन के कंपाउंड क्या होते हैं उसके बारे में हमें डिटेल में बात करनी है वो भी एक अच्छा टॉपिक है तब तक के लिए पढ़ते रहिए नोट्स बनाइए खुद का ख्याल रखिए थैंक यू वेरी मच